दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाबली हनुमान से जुड़ी है, और इस कथा से आपको पता चलेगा कि आखिर कौन था वो बलवान जिसने युद्ध में पवन पुत्र हनुमान को हरा दिया था। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजनी पुत्र हनुमान को अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक योद्धा ने पराजित किया था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के इस एकमात्र पराजय की कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम में आते हैं। वहाँ श्री राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। राम भक्त हनुमान वहाँ पर एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से मौजूद थे। उनकी नज़र जब मच्छिंद्रनाथ पर पड़ती है तब ये जानते हुए भी कि वह एक सिद्ध योगी हैं, हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और अपनी शक्ति से ज़ोरदार बारिश करवाने लगते हैं। ज़ोरदार बारिश का मच्छिंद्रनाथ पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ को क्रोधित करने के लिए हनुमान जी वर्षा से बचने के लिए एक पहाड़ का प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी रूपी बूढ़े वानर को पहाड़ पर प्रहार करता देख मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, तुमको अपने घर का पहले से ही इंतज़ाम कर लेना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ जी की बात सुनकर हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। इस पर मच्छिंद्रनाथ जी जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। उनकी इस बात को सुनकर हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से श्रेष्ठ और बलवान योद्धा इस पूरे संसार में कोई नहीं है, और कुछ समय तक मैंने भी उनकी सेवा की थी, इसी कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया था। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कर लीजिए और युद्ध में मुझे पराजित कर दीजिए, नहीं तो स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। इस तरह मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और मच्छिंद्रनाथ के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगते हैं। पर्वतों को अपनी ओर आता हुआ देखकर मच्छिंद्रनाथ मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं और उन सभी पर्वतों को अपने मूल स्थान पर, यानी कि जहाँ से उन्हें उठाया गया था, वहीं वापस भेज देते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है और वहाँ पर खड़े सभी पर्वतों को अपने हाथ में उठाकर मच्छिंद्रनाथ की ओर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। मच्छिंद्रनाथ अपनी ओर हनुमान जी को एक बड़े से पर्वत के साथ आता देखकर अपने बचाव करने के लिए हाथ में जल लेकर वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी के ऊपर उस मंत्र का प्रयोग करके उस जल को वह फेंक देते हैं। मंत्र की शक्ति से हनुमान जी आसमान में ही रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता। मच्छिंद्रनाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। शक्तियों के खत्म हो जाने के कारण हनुमान जी पर्वत का भार भी नहीं सह पाते और पीड़ा से, दर्द से तड़पने लगते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और ज़मीन पर आकर मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना पर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि किसने हनुमान जी जैसे शक्तिशाली देव को भी पराजित किया था। इसी तरह और भी कथाएँ हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप सुनते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियोस से।